ये कहानी है 1897 स्कूल सो मैं जो देखा है स्कूल में आके मेरे को इतनी खुशी हुई है ये बिल्डिंग देख के। और मैं पूछ रहा था प्रेसिडेंट साहब से कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास स्टूडेंट्स की, और मेरे को ये बता रहे थे हमारी 4 ब्रांचेस पहले चल रही है और उसमें तकरीबन 10,000 के करीब हमारे स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ है। और एक नई ब्रांच जिसकी आज ओपनिंग की है, 5 स्कूल इनके जो है वो चल रहे हैं। मैं समझता हूँ मैनेजमेंट इतनी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, इस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन के फील्ड में तो आगे हैं ही हैं। स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटीज़, आज मैं बच्चों की आइटम देख रहा था देशभक्ति की आइटम, और मैं समझता हूँ आज जरूरत है बच्चों के मनों में देशभक्ति की भावना पैदा करने की। और ये कौन करेगा, ये हमारे टीचर्स करेंगे, उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चों को ये पता नहीं, ये नॉलेज नहीं बच्चों को कि हमको यादी कैसे मिली, कौन थे वो लोग जिन्होंने यादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, कौन थे हमारे गुरु जिन्होंने कौम के लिए अपना बलिदान दिया। सो आज बच्चों को प्रभु भक्ति और देशभक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे को इस बात की खुशी है कि स्कूल का स्टाफ, स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट इतनी मेहनत करा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटीज़। सो आज इन चीज़ों की ज़रूरत है, आज देश को, देश के बच्चों को एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। उतनी देर हमारा समाज और हमारा देश सर्वाइव नहीं कर सकता जितनी देर हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है। सो मेरे को खुशी है आज मैं जो देखा है स्कूल का स्टाफ, स्कूल की मैनेजमेंट, और देख के खुशी भी हुई है मेरे को। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ।